good morning students welcome to class 8 this is your english literature class today i'll proceed explanation of the same lesson which i was explaining yesterday today we'll proceed our explanation from page number 17 so please open page number 17 and take a look on this paragraph on Monday. Today we will start our explanation from this paragraph on Monday. It is page number 17. Let's read. <clears throat> on Monday, Laurie came home late, full of news. Charles, he shouted as he came up the hill. I was waiting anxiously on the front steps. Charles, Laurie yelled all the way.

Uh, come back from school, so you have a lot of things to tell your parents like uh, today this happened in school, he was absent, she was absent, this happened, that happened. So you tell many stories, many things about your school, whatever you have experienced on that particular day. In the same way, here we see that Laurie has lot of news, and he's uh, and whole of his way. पूरे रास्ते जब लॉरी घर आ रहा था लिखा है चार्ल्स ही शाउटेड एज ए केम ऑफ द हिल जैसे ही वो लॉरी अपने घर के काफी दूर था और हिल पे था हिल मीन्स अ हाई एरिया ऑफ लैंड कोई भी हल्की ऊंची जमीन का तो जो एरिया होता है थोड़ा सा हाई प्लेस होता है उसको हिल बोलते हैं तो जब ये बच्चा लॉरी अपने घर से काफ़ी दूरी था थोड़ी हिल हिली एरिया पे था हाइट वाले एरिया पे था तो पूरे रास्ते ये चिल्लाते हुए शाउट करते हुए बोलते हुए आ रहा था कि चार्ल्स चार्ल्स चार्स ने ऐसा किया चार्ल्स ने वैसा किया आई वॉज वेटिंग एंशियसली ऑन द फ्रंट स्टेप्स सो हु इज़ आई हियर आई इज़ द नरेटर इट मीन्स लॉरीज़ मदर सो लॉरीज मदर वॉज वेटिंग फॉर हिज सन बिकॉज टुडे ही वॉज लेट एंशियसली मीन्स शी वॉज वेटिंग फॉर हिज सन विद लिटिल टेंशन बिकॉज समटाइम इट हैपन नम टाइम इट है जब हमारे लेट आते हैं तो कई बार हमारे मदर हमारे पेरेंट्स चिंता करने लगते थे सो लॉरीज मदर वॉज ऑल्सो एंशियस रिगार्डिंग हिज सन चार्ल्स लॉरी येल्ड ऑल द वे अप दिल्स चार्ल्स वॉज बैड अगेन सो पूरे रास्ते जब चार्ल्स अपने घर को आ रहा था तो वो बार बार लॉरी uh, जो है वो चार्ल्स का नाम ले रहा था और क्या कह रहा था कि चार्ल्स ने फिर शरारत करी चार्ल्स ने फिर शरारत करी लाइक दिस ही टू से लेट्स सी कम राइट इन आई सेड केम क्लोज इनफ सो हु सेड दिस कम राइट इन यस नर और यू कैन से लॉरीज मदर सो लॉरीज मदर सेड टू सन जैसे ही वो लॉरी अपने घर के काफी करीब आ जाता है तो उसकी मॉम उसे जोर से चिल्ला कर बोलती कम राइट इन मतलब जल्दी अंदर आओ लंच इज़ वेटिंग क्योंकि लंच तैयार है यू नो व्हाट चार्ल्स डेड सो हे क्वेश्चन इज आस्किंग बाय होम लॉरी सो लॉरी इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू हिज मदर दैट डू यू नो वट चार्ल्स डेड क्या आपको मालूम है चार्ल्स ने आज क्या करा आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा जब घर जाते तो आप अपने कुछ न्यूज़ ले जाते हैं अपने साथ स्कूल की और बताते हैं आपको पता है ऐसा हुआ आपको पता है वैसा हुआ तो इन द सेम वे लॉरी इज़ टेलिंग टू हर टू हिज मदर दैट डू नो व्हाट हैपन इन स्कूल टू डे नो व्हाट चार्ल्स डेड ही डिमांडेड फॉलोइंग मी थ्रू द डोर सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांडेड डिमांडेड मीन्स टू आस्क फॉर समथिंग इन एन एक्सट्रीमली एग्रेसिव वे बहुत ज़्यादा गुस्से में किसी चीज़ की कुछ पूछना या इजाज़त मांगना तो वो कहता है कि आपको मालूम है चार्ल्स ने आज क्या किया फॉलोइंग मी थ्रू द डोर आइए मैं आपको बताता हूँ और वो दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं चार्ल्स येल्ड शो इन स्कूल दे सेंट अ बॉय एंड फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड टू टेल द टीचर शी हेड टू मेक चार्ल्स कीप क्वाइट एंड सो चार्ल्स है लिखा है स्टोरी uh, बताता है यहाँ पर जो लॉरी है वो चार्ल्स की स्टोरी बता रहा है कि आज चार्ल्स ने क्या शरारत करी है सो वॉट एक्चुअली चार्ल्स डेड टूडे इट्स रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी द मीनिंग ऑफ येल्ड सो येल्ड मीन्स वॉट येल्ड का मतलब होता है टू शाउट वेरी लाउडली बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ सच चिल्लाना शाउट करना क्लास में जब बच्चे बहुत शोर करने लगते उस तरीके से सो so, लॉरी टोल्ड टू his mother, that today चार्ल्स yelled इन द स्कूल आज चार्ल्स ने क्लास में बहुत ज़्यादा शोर किया बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था इस वजह से फर्स्ट ग्रेड का क्योंकि ये किंडर गार्डन में था चार्ल्स एंड लॉरी दे बोथ वार इन किंडर गार्डन सो आज बॉय वॉज सेंट फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड टू टेल द टीचर तो ज़्यादा शोर होने की वजह से जो फर्स्ट क्लास का एक बच्चा था वो आकर के जी क्लास के टीचर को ये कहता है कि आज आ, कि मैम ने कहा मैम को इन्फॉर्म करता है कि चार्ल्स को तो शांत करवाइए क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है ऐसा मैम ने कहा है और चार्ल्स को तो टीचर ने पनिशमेंट दी क्या पनिशमेंट दी डैट चार्ल्स हैड टू स्टे आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद चार्ल्स को तो यहीं रुकना पड़ेगा स्कूल में जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा एंड सो ऑल द चिल्ड्रन स्टेड टू वॉच हिम तो जब चार्ल्स को पनिशमेंट मिल जाती है डैट ही हैज़ टू स्टे बैक इन स्कूल सो ऑल अदर चिल्ड्रन स्टेड देयर टू वॉच हिम तो बाकी जितने बच्चे थे वो चार्ल्स को देखने के लिए उसका मजाक उड़ाने के लिए मस्ती लेने के लिए वो बच्चे वहां स्कूल में रुक जाते हैं तो इस वजह से चार्ल्स आज स्कूल से लेट घर आया है ऐसा चार्ल्स का कहना है सॉरी लॉरी का कहना है वॉट डिड यू डू आई आस्ट कौन पूछ रहा है नरेटर मदर मदर इज आस्किंग दैट ट डिड यू डू उसने क्या गलती करी सो हेयर इट्स रिटर्न ही जस्ट सेट दायर तो लॉरी क्या बोलते है? कुछ नहीं वो बस वहां बैठा हुआ था मतलब वो वहां पर क्या कर रहा था स्कूल में इतनी देर जब बैठा तो कर कह रहा था तो उसने बोला ही जस्ट सेट दायर लॉरी सेट क्लाइंबिंग इन टू हिस्स चेयर एट द टेबल तो वो बताता है लॉरी की बस चार्ल्स कुछ नहीं कर रहा था अपनी टेबल और चेयर पे बार बार उछल कूद कर रहा था ऊपर नीचे हो रहा था हे पॉप ये डस्ट मॉप सो वट इज द मीनिंग ऑफ दिस हे पॉप ये डस्ट मॉप दिस इज एक्चुअली जस्ट फॉर फन ये किसने बोला दिस इज सेड बाय लॉरी टू होम टू हिस्स फादर लॉरी अपने फादर को कहता है हे पॉप योर ओल्डस्ट मॉप ये बस एक मजाक के लिए वो जोक के लिए उसने एक राइम करा जैसे आप देख सकते हो पॉप एंड मॉप दोनों राइम कर रहे हैं ना तो बस उसने मस्ती के लिए ऐसा उसने बोला वैसे मैं आपको बता दूँ पॉप मीन्स जैसे फादर मतलब अपने पापा को बोलता लोग बोलते ना पॉप और मॉप मीन्स मॉप का मतलब होता है जो धूल मिट्टी झाड़ने के लिए एक आता है या सफाई करने के लिए कपड़ा जो हम यूज करते हैं पोछा डाट इज कॉल्ड मोप तो वो अपने पापा को बोलता है पॉप hey, योर ये ओल्डस्ट मॉप चार्ल्स हैड टू स्टे आफ्टर स्कूल टुडे आई टोल्ड माई हजबेंड सो नाउ लॉरीज मदर टोल्ड टू हिज हजबेंड इट मींस टू लॉरीज फादर डाट टूडे चार्ल्स है चार्ल्स को स्कूल के बाद रोका गया था एवरी वन स्टेड विद एम फिर वो बताते हैं कि सारे बच्चे उसके साथ रुके हुए थे वर्ट डज दिस चार्ल्स लुक लाइक माई हजबेंड आज लॉरी तो चार्ल्स तो लॉरी के फादर जो हैं वो लॉरी से पूछते हैं कि ये बताओ ये चार्ल्स दिखता कैसा है वर्ट इज इज अदर नेम उसके दूसरे नाम क्या है तो यहाँ पे अदर नेम का मतलब है कि उसका और पूरा नाम क्या है या उसकी फैमिली मेम्बर का अगर कोई नाम पता है तो वो बताओ और उसका पूरा नाम क्या है क्योंकि चार्ल्स उसका सिर्फ फर्स्ट नेम यानी उसका सेकेंड नेम जो भी उसका नेम है वो क्या है ही इज बिगर दैन मी हुई लॉरी इज रिप्लाइंग टू हिज फादर डाट चार्ल्स इज बिगर दैन मी चार्ल्स दिखने में उससे बड़ा है एंड ही डजेंट हैव एनी रबर्स एंड लॉरी बताता है एंड ही डजेंट रबर नहीं है एंड ना ही वो कभी जैकेट पहनता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ एक्सप्लेनेशन। इन नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट क्लास आई प्रोसीड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम लेसन टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू